अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मसूम भाई, अब क्या करना है? हाँ जनाब, अभी हम यहाँ से निकलेंगे, चेकआउट कर लिया है होटल से। हाँ जी, और अभी हम जाएंगे मालूम जब्बा। अगर तो दिया मौसम ने साथ तो जनाब आपको दिखाएंगे मालूम जब्बा की खूबसूरती, नहीं तो फिर वहाँ से सिर्फ टाटा करके दो टूवर्ड्स होम। पानी इतना ठंडा है तो जनाब जहाँ जहाँ पे पानी लगता है तो वहाँ से सुन्न हो जाती है। ये एक यहाँ की खूबसूरती है कह ले। ये हैं वो मनाजर जिनके लिए हम खज्जल हो रहे हैं। यहाँ पे जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा नाजरीन, आपने यकीन कर लेना है, हम खुद ही बना रहे हैं, नेट से नहीं ली हमने। ओके, ये दील है, ये दील का रिश्तेदार है। और ये बादल है माशाल्लाह, ये कुछ बादल ये दरख्तों में फंसे हुए हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह। मेरे ख्याल में कैमरे ही आन कोई नहीं है। नहीं आन है, आन है, आन है, आन है। नाश्ता कर लिया, यहाँ पे बहुत महंगाई है, नाश्ता कर लिया। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है मालम जब्बा जाना है। अभी गाड़ी में बैठना है जी, गाड़ी में सीधा सीधा मालम जब्बा। मालम जब्बा, ओके।
से हम आ रहे थे मालन जब्बा, तो आगे नाके लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि वापस चले जाए। तो आगे हमारे ये भाई बैठे हुए जी, हमारे बड़े भाई, उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों वापस जाना है, उन्होंने कहा ठीक है ओके। फिर पूछा हमने कि वजह क्या, वो कह रहा जी सिस्टम बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो वापस चले जाए 24 को शायद खुले। एक गांव कौन सा जहाँ से वापस किया? टेलीग्राम गांव है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो अभी लगता है कि पक्की वापस जाना है। नाजरीन आपके साथ क्या मसला हो गया? नाजरीन सॉरी नाजरीन नहीं, हाजरीन आपके साथ क्या मसला हो गया? आप इधर क्यों खड़े हैं? हम इधर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें उन्होंने खड़ा किया हुआ है। वो चार लोग हमारे हैं, वो जो रोड के दरमियान उन्होंने खड़े किए हैं। क्यों खड़ा किया इन्होंने मौजूद लाई? वो कहते हैं आप प्राइवेट हैं, आप सरकारी हो जाएं, हम आपको वापस भेज देंगे। वापस नहीं जाना डाइन में। जरा आप डिटेल से बताएं आपने नाजरीन को क्या आपके साथ क्या क्या हुआ और है। नाजरीन हम मोटरवे कौन सी है जो भी है उस पर हम आ रहे थे, तो हमने पहले तो सवाद के करीब उन्हें रोक लिया, कहते हैं इंटरचेंज पे। हाँ इंटरचेंज पे मोटरवे पे इंटर, हाँ इंटर होने से पहले ही उन्होंने हमें कहा कि जी आप इंटर ही नहीं हो सकते, हम टैक्स पेयर हैं, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन कहते हैं जी कि हमारी रूलिंग है चलती है
फिर आप कैसे इंटर हुए हैं? फिर हमने मेहनत अल्लाह किया, वो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने लम्बे पे आगे थे वो पास खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं यार हमारे पास सात तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खा दे बेचक, ठीक है तो हमें जाने दिया जाए प्लीज़। उन्होंने मेन्स मान ली मारी तो उन्होंने हमें ओके कर दिया। फिर हम और अब हम ये गुड बाय स्वाद पे आए हैं, तो पहुंच रहे हैं, तो फिर इधर एक और है भाई, वो कह रहे हैं मेरी ना किसी से बात करवाएं, तो ना कोई मतलब ना ही मुझे डिस्टर्ब करें, हाँ ना मुझे डिस्टर्ब करें, मेरी ड्यूटी है तो मैं नहीं जा सकता, जा नहीं दे सकता, आप 12 के बाद आपको जाने के। अब आपका क्या प्लान है? अब हम क्या कर सकते हैं जी, हम इधर वेट करेंगे या फिर हम कह रहे हैं या फिर हम फिर वेट करेंगे, यू टर्न लें 6-7 किलोमीटर पीछे जाएँ और उधर से दोबारा जी रोड पर जाएँ और जी टी रोड से चलें। ठीक हो गया, तो शुरू में आप देख चुके हैं कि हम मालन जब्बा के लिए निकले थे तो वो किस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके ये आप देख चुके हैं। तो उसके बाद हमने वापसी का रास्ता लिया तो मोटरवे पे उन्होंने हमें दो जगह पे रोक लिया, कह रहे थे वापस जाओ रात को 12 बजे के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वापस आप इधर से गुजर सकते हैं। वो उधर से किस तरह हम जान छुड़ा के दो चेक पोस्ट से झेलम तक पहुँचे हैं, मिन्नत तरला करके झेलम तक पहुँचे हैं, अभी यहाँ पे आके हमने दो हो गए रास्ते खाना वगैरह खाया है, अब ये सारे चाय पी रहे हैं तो इसके बाद शायद कोई वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि अब वापसी का सफर लेंगे सीधा घर, वापसी का सफर होगा और सीधा घर जाएंगे, आराम करेंगे और कल से फिर अपनी रूटीन पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।